सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम नोटपैड चलाना सीखेंगे। नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है, विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस करो और यहाँ पे नोटपैड टाइप करके एंटर बटन प्रेस करो तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। और जो तीसरा तरीका है, वो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप में नोटपैड का आइकन दिख रहा है, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 बटन मिलेगा। सबसे पहला है मिनिमाइज और दूसरा है मैक्सिमाइज और यहाँ पे क्लोज। अगर हम मिनिमाइज में क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। उसे हम दोबारा देखना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। इसमें क्लिक करने से जो हमारा स्क्रीन है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, और इसमें फिर से क्लिक करने से ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। अब अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर में दिख रहा है ये है हमारा टाइटल बार। ये सब क्या है, मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे में है ये है स्टेटस बार। सबसे पहला है हमारा फाइल मेन्यू, जैसे कि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिए लाइक, ठीक है, तो हम न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि इसे आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव में क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव में क्लिक कर दें, अदरवाइज कैंसिल में क्लिक कर दें, ठीक है। तो अगर हमें नया फाइल, देखो हम अभी एक फाइल बनाए हैं, ठीक है, अब हमें नया फाइल की ज़रूरत है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू, या तो फिर आप कंट्रोल के साथ एन बटन भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे न्यू विंडो का। इससे क्या होगा, जो नोटपैड है वो 2 विंडो में ओपन रहेगा, है ना। जैसे हम न्यू विंडो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नोटपैड है वो 2 ओपन हो गया है ना, एक ये है और दूसरा ये। अब ये दोनों को हम एक साथ देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, विंडोज़ के साथ राइट एरो और इसे क्लिक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला आ गया और यहाँ पे फर्स्ट वाला, है ना। तो ऐसे ही आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ओपन का। इससे क्या होगा, जो हमारा पहले से कोई फाइल है टेक्स्ट फाइल उसे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम करके लिखा है, इसमें हम क्लिक करेंगे और ओपन में क्लिक करेंगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल हमारा बना है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद है सेव। सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव में क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं लोकेशन सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे फाइल का नेम लिखे, यहाँ पे हम जैसे कि दे देते हैं Day 1, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम सेव में क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा फाइल है ये सेव हो जाएगा। उसके बाद है सेव एज। इससे क्या होगा, यही जो फाइल है हमारा Day 1, इसी को हम दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सेव एज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि लिख देते हैं हम यहाँ पे Day 2, उसके बाद सेव में क्लिक करेंगे तो ये भी फाइल सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पेज सेटअप। जैसे कि हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज सेटअप। यहाँ पे पूछेगा पेपर का साइज, पेपर का जो भी साइज है ना, जिस भी पेपर में आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि ज़्यादातर तो A4 का यूज़ होता है तो अपन यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो प्रीव्यू है यहाँ पे आपको दिखा देगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसा होगा और लैंडस्केप करेंगे तो ऐसा। उसके बाद अपन यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का। इससे हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर है एग्जिट। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो नोटपैड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मेन्यू है हमारा एडिट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है DE, ठीक है, अब बाय मिस्टेक ये हमसे हो गया डिलीट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से अंडू, या तो कंट्रोल के साथ जेड भी कर सकते हो, उससे भी ये अंडू हो जाएगा। इसमें रीडू नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे होता है, रीडू मतलब एक स्टेप आगे होता है। इसमें सिर्फ अंडू ऑप्शन मिलेगा,
रीडू ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कट का। कट मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, जैसे कि हम इसे कट करके नीचे ले जाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और एडिट में जाएंगे, यहाँ पे कट में क्लिक कर देंगे तो वहाँ से वो कट जाएगा। और उसके बाद फिर जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखें, उसके बाद एडिट में आकर के इसे पेस्ट कर दें, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है कॉपी। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सेलेक्ट करेंगे, है ना, फिर एडिट में जाएंगे और यहाँ से कॉपी। ये देखो जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं उन सभी का शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। कॉपी करने के लिए क्या है, कंट्रोल के साथ सी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी में क्लिक किए यहाँ पे भी रखना चाहते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर है डिलीट। जैसे कि हम इतना को सेलेक्ट किए और इसे डिलीट करना चाहते हैं तो एडिट में गए और यहाँ से डिलीट, ठीक है। उसके बाद फिर है सर्च विथ बिंग। जैसे कि कोई वर्ड है, जैसे कि हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, अब इसे हम नेट में सर्च करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इतने को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ पे सर्च विथ बिंग में क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो भी टेक्स्ट है उसे सर्च कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड का। इसमें अगर कुछ आप फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए है। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी वर्ड को हम इसमें फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि नीड कहाँ पे लिखा है, ये है ना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से फाइंड में क्लिक करेंगे, या तो कंट्रोल के साथ F भी प्रेस कर सकते हैं। एडिट में गए और यहाँ से फाइंड, ठीक है, या तो फिर कंट्रोल के साथ F, ठीक है। यहाँ पे फाइंड वर्ड में क्या करेंगे, जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम नीड फाइंड करना चाहते हैं तो लिख देंगे यहाँ पे नीड और फाइंड, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी नीड लिखा है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। नेक्स्ट और कहाँ पे लिखा है देखना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, F3। प्रीवियस देखना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F3 करेंगे। उसके बाद फिर है रिप्लेस। यहाँ पे एडिट में आएंगे और यहाँ पे रिप्लेस। आपने थ्री इडियट्स पिक्चर देखे होंगे तो वो जो चमत्कार को बलात्कार हुआ था ना, वो सब इसी में से हुआ था, रिप्लेस में से, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो इसे हम करना चाहते हैं 5, ठीक है, इसे हम 5 करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइंड वाट में 4 लिखेंगे और यहाँ पे रिप्लेस विथ में 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो एक जगह रिप्लेस होगा, है ना, मतलब जो चीज़ हाईलाइट है वो चीज़ रिप्लेस होगा। अगर हम रिप्लेस आल कर देंगे तो क्या होगा, जितने भी जगह 4 लिखा है वहाँ पे 5 लिखा जाएगा, ऐसा, तो रिप्लेस भी बन जाएगा। उसके बाद फिर एडिट में आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे है गो टू, ठीक है, तो ये अभी आपको डिसेबल दिखेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वर्ड रैप है वो यहाँ पे इनेबल है, इसलिए वो डिसेबल दिखेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम वर्ड रैप को ऑफ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम एडिट में और यहाँ पे है गो टू। इससे क्या होता है, हम जैसे कि कोई भी लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं तो एक ही बार में जा सकते हैं। जैसे कि हम लाइन नंबर 4 में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और गो टू करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वो लाइन नंबर 4 में पहुँच जाएगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर है यहाँ पे सिलेक्ट आल। इससे क्या होगा, सिलेक्ट आल हो जाएगा, जितने भी आपका टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट आल हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कंट्रोल के साथ A यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर है एडिट। जैसे कि हम यहाँ पे टाइम डेट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइम एंड डेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंट टाइम डेट जो भी है वो दिखा देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है फॉर्मेट। यहाँ पे है वर्ड रैप, ठीक है। वर्ड रैप अगर डिसेबल है तो क्या होगा, जितने भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या होगा, इधर आगे बढ़ते ही जाएगा, है ना, यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा, जब तक हम नीचे नहीं करेंगे तब तक वो नीचे नहीं आएगा, जितने भी लिखेंगे वो सब आगे बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वर्ड रैप को इनेबल करेंगे तो यहाँ जैसे ही यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है वो ऑटोमेटिक नीचे आने लगता है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर है यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें
उसके बाद यहाँ पे उसका स्टाइल सेलेक्ट कर लें, कैसा रखना है, रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे उसका साइज सेलेक्ट कर लें, फिर ओके में क्लिक करें तो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वापस हमें पहले जैसा करना है तो उसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट में क्लिक करेंगे, फिर जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं फॉन्ट को सेलेक्ट करें और ओके कर दें तो पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद फिर है व्यू। व्यू में आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक जूम का और स्टेटस बार। यहाँ से जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो और यहाँ से रिस्टोर डिफॉल्ट जूम कर सकते हो, यानी कि ऐसा जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस। जैसे कि ज़्यादा जूम हो गया, हम इसे डिफॉल्ट में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 0, तो ये डिफॉल्ट साइज इसका आ जाएगा। यहाँ पे दिखेगा आप लोग को 100% दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे। उसके बाद है स्टेटस बार, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारी स्टेटस बार। इसे अगर आप दिखाना चाहते हैं इसे टिक करें, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं इसको अनटिक कर दें, वो हट जाएगा। फिर नेक्स्ट मेन्यू है हेल्प, इसमें आप हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से नोटपैड को फीडबैक दे सकते हैं और यहाँ पे नोटपैड के बारे में देख सकते हैं कौन सा वर्जन है, क्या है, वो सब डिटेल। ठीक है,